भैया रूम चाहिए था। किस लिए? वो भैया प्रोजेक्ट बनाना था ना हम दोनों को। प्रोजेक्ट तो घर पे भी बन सकता है। हाँ भैया घर पे भी बन सकता है, पर हम दोनों को साथ में बनाना है ना, और घर पे वैसे भी काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, आईडिया दो। और इनकी? इनकी आईडी तो नहीं है भैया। बिना आईडी के रूम नहीं मिलेगा भैया। कुछ पैसे वगैरह लेके हो जाएगा? बात पैसों की है ही नहीं, बिना आईडी के रूम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। जाओ चल। अच्छा सुनो, कितने घंटे के लिए रूम चाहिए तुम्हें? 2 घंटे के लिए भैया। चल ठीक है, आईडी और 900 रुपये निकालो। हाँ सुनो, रूम नंबर 235 दे देना। हाँ ठीक है, 2 लोग आ रहे हैं। सुनो सेकंड फ्लोर पे जाना, लिफ्ट से राइट 237, ठीक है? वहाँ रूम की चाबी मिल जाएगी। थैंक यू भैया। कितना प्यारा है ना, हमारे घर से भी प्यारा है ना। हाँ यार देखना, गद्दा भी कितना सॉफ्ट है। यहाँ कोई आएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं कोई नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। अच्छा हमारे घर से तो कोई नहीं आएगा ना? अरे नहीं नहीं कोई नहीं आएगा, तू इतनी टेंशन मत लिया कर। तुझे पता है मेरा दोस्त था विक्की, वो भी ना अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही होटल में लेके आता था, और उसको ना पूरे 1 साल हो गए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। मैं बैग रख दूँ? हाँ ना। तू इतनी दूर क्यों बैठी है, क्लासरूम में थोड़े ना हम, आना पास बैठना। अच्छा तेरे को मैंने रात को वीडियो भेजी थी, देखी तूने, कैसी लगी? हाँ देखी थी, बहुत बढ़िया थी, पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी वीडियो थी, देखी? नहीं पागल है, ऐसी वीडियो तो अकेले में देखते हैं ना। अच्छा चल ठीक है, मैं ना तुझे कुछ दिखाता हूँ, तू आंखें बंद कर अपनी। क्या है? ये देख। ये क्या लिया है तू? तुझे नहीं पता ये क्या है? नहीं। इतनी ना मासूम मत बन, मुझे सब पता है, लड़कियों को ना सब पता होता है कि ये क्या है। नहीं मुझे सच्ची में नहीं पता ये क्या होता है। अच्छा तेरे दोस्तों ने भी नहीं बताया तुझे ये क्या होता है? नहीं। चल ठीक है, तुझे ना मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, तुझे ना सब पता लग जाएगा कि ये क्या होता है। देखी है मैंने वीडियो। अच्छा अभी तो कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो तुझे सब कुछ बता दूँ क्या मैं? अच्छा फिर तो तूने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, कैसी कैसी वीडियोस देखी है तूने? तू चुप कर, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। सर प्रोजेक्ट बना रहे थे सर, जा ही रहे हैं बस सर घर। तो ये बन रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट? हाँ सर, सॉरी सर, प्लीज सर घर पे मत बताना सर। ठीक है नहीं बता रहा, घर पे बैठो। सॉरी सर सॉरी। अरे बैठ जा भाई, जब बोल रहा हूँ बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ बैठो बैठो। किसका प्लान था यहाँ आने का? दोनों का सर। प्यार करते हो एक दूसरे से? हाँ सर। किससे सीखा तुमने ये सब? क्या सर? वही जो तू यहाँ करने आया है। दोस्तों से सर। दोस्तों से? और बेटा तुमने? ऑनलाइन। ऑनलाइन। और तेरे दोस्तों ने कहाँ से सीखा? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। देखो बेटा ये प्यार थोड़े ही है, और मेरा तो ये मानना है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ इन सब चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम तो अभी वैसे ही बहुत छोटे हो, ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर लोगे, है कि नहीं? और जिन गंदी वीडियोस को देख के तुम आज यहाँ पे आए हो, तुम्हें पता है वो सब कैसे बनती हैं? मैं बताता हूँ।
उन वीडियोस में जो लड़कियां होती हैं ना, उनको ड्रग्स दिया जाता है, उनके ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स के अंदर कोकेन डाला जाता है ना कि तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक बार अगर वीडियो शुरू हो गई ना, तो तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि वीडियो कंप्लीट ना हो जाए। फिर चाहे उसके बीच में लड़की को कितना ही दर्द हो, कितनी मुश्किलें हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। तो सर फिर वो केस नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बनने के तुरंत बाद ना उनका एक एग्जिट इंटरव्यू होता है, जिसमें उन्हें साफ साफ बोलना पड़ता है कि उनके साथ जो कुछ भी वीडियो में हुआ है ना, वो सब उनकी मर्जी से हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगी तो उन्हें उनके पैसे नहीं मिलेंगे। देखो बेटा, जो गंदी वीडियोस देख के तुम यहाँ पे आए हो ना, और तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे इन्हीं वीडियोस से ऐसे ही होटल्स के रूम में पाए जाते हैं। देखो बेटा, प्यार एक बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम इस लड़की से प्यार करते हो ना, तो इसकी मदद करो इसकी पढ़ाई में, इसके सक्सेसफुल करियर के लिए मदद करो, ना कि इन सब चीज़ों की। और तुम्हें पता है, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक इस लड़की का शरीर एक मंदिर है, और तुम्हें इस मंदिर की हिफाजत करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये है उन वीडियोस का सच जो मैंने तुम्हें बताया। आगे से ख्याल रखना, ठीक है? चलो अब तुम दोनों अपने घर जाओ।